हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6:14, और अभी हम लोग जाएंगे लेक मॉल। वहाँ पे 6:35 से है हमारा मूवी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कल की, तो चलिए एकदम टाइम हाथ में बिल्कुल नहीं है, हम लोग टिकट्स भी नहीं लिए हैं, वहाँ पे पहुँच के हम लोग लेंगे टिकट्स। और अब वेदर देख सकते हो, बहुत जम के बारिश होने वाले है, तो चलिए उससे पहले, बारिश आने से पहले हम लोग पहुंच गए हैं लेक मॉल फाइनली। और अभी हम लोग जा रहे हैं सिनेपोलिस। और यहाँ पे पहुँचते हम लोगों को पता चला कि ऑलमोस्ट हाउसफुल है। हम लोगों को ना ठीक ठाक, मतलब ढंग का सीट तो बिल्कुल नहीं मिला, तो बहुत आगे स्क्रीन से बहुत पास हम लोगों को मिला, लेकिन कोई नहीं, आ गए हैं तो हम लोग देखेंगे और 3D मूवी देखेंगे हम लोग। और हम दोनों तो 4 आँख वाले हैं ना, तो इसीलिए हम लोग कैसे 3D चश्मा पहनते हैं मैं ना आपको दिखाती हूँ। आप लोग हंसोगे मुझे पता है, लेकिन क्या है, अच्छा व्यू आते हैं। ये हो गया 3D चश्मा, और मैं अपने चश्मे के ऊपर ही इसको पहनूंगी, सो दैट मैं बहुत अच्छे से देख पाऊँ। क्योंकि सिर्फ अगर 3D चश्मा हम पहनेंगे ना, तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ ठीक से। तो चलिए मूवी ऑन हो गया है, हम लोग देखेंगे कल की, देखते हैं कैसा है मूवी, रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी। और यहाँ पे इंटरवल हो गया, और हम लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ गए हैं, चीज पॉपकॉर्न और साथ में कॉफी, मेरा कैपुचिनो और एबी का ब्लैक कॉफी। तो मूवी हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय किया, और पता है बहुत बड़ा मूवी है, 3 घंटे के ऊपर है मूवी, मतलब बहुत लंबा मूवी है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लगा मूवी। मैं रिव्यू आपको घर पे जाके दूंगी, लेकिन उससे पहले आप देखो कितना बारिश हो रहा है। तो फाइनली मूवी ओवर, और इतना जोर से बारिश हो रही थी कि आधा घंटा हम लोग मॉल के अंदर ही थे। तो फाइनली हम लोग दौड़ के भाग के भीग के हम लोग आए हैं, और अभी हम लोग घर जाएंगे। एबी तुम भी गए? नहीं दोनों लिटरली दौड़ के आए हैं। अभी अभी थोड़ा सा बारिश कम हुआ, और देखिए गाड़ी के अंदर आते ही फिर से स्टार्ट, मतलब हम लोग भूल गए कि रेनी सीजन ऑलरेडी आ गए है, तो अभी छाता लेके निकलना होगा। देखिए अब भी थोड़ा सा बारिश मतलब कम हुआ था, लेकिन देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। कोई नहीं, अभी 10:30 और हम लोग जा रहे हैं घर। डिनर क्या करेंगे वो तो पता नहीं, पॉपकॉर्न और कॉफी तो हम लोग खाए ही हैं, लेकिन कोलकाता में तो बारिश होता है, थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन कोई नहीं, बारिश का मौसम है और हम बंगाली हैं, तो बारिश के मौसम में हम लोग खाएंगे इलिश माछ। तो डेफिनेटली उसके लिए भी तो मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता है तो मैं वेट करती हूँ इलिश माछ के लिए। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इलिश माछ, जो इसी टाइम में एकदम ताजा मिलते हैं, साल भर तो मिलता ही है, स्टोरेज वाला फिश मिलता है। फिलहाल हम लोग बारिश का मौसम एंजॉय करते करते घर चलते हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। लेकिन मेरा मन ना बहुत चाय चाय कर रहा है, क्योंकि इतना बारिश हो रहा है और कितना मौसम ठंडा हो गया। एबी को बस मैंने बोला कि तुम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, लेकिन मुझे ना बहुत मन कर रहा है चाय पीने की, तो एबी ने बोला कि चलो इस मौके को गवाना मत, क्योंकि बारिश हो रहा है और अब चाय पी रहे हो, ये हमेशा ये मौका नहीं मिलता है, चलो इस मौके का भी तुम लुत्फ उठाओ। तो इसीलिए हम लोग चाय पीने आ गए, मतलब मैं चाय पी रही हूँ। तो चाय पीने के बाद ही हम लोग जब घर जाने ही वाले थे, आप देखो कितना बारिश, इतनी जोर से, मतलब अब तक जो बारिश हो रहा था उससे भी ज्यादा जोर से बारिश हो रहा है। आप सुन सकते हो आवाज, कितना कड़कदार आवाज आ रहा है, तो देखिए कितना बारिश हो रहा है। तो चलिए हम लोग घर पहुंचते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ऐसे मॉनसून के टाइम में कितने सारे लोगों को कितना कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं देख रही थी कि बाइक में जो लोग जा रहे थे उन लोगों को कितना दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। अगर ये मतलब बारिश के बूंदे अगर आपके मतलब शरीर पे लगेगा, तो ये लगेगा बहुत ज़ोर से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बारिश के मौसम में जो लोग नॉर्मली टू व्हीलर पर जो लोग अवेल करते हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा। क्योंकि एक टाइम पर मैं भी स्कूटी चलाती थी, तो रेनी सीज़न में मुझे बहुत दिक्कत होता था। जितना भी आप रेनकोट पहन लो, जितना भी आप सेव गार्ड रख लो अपने आप को, आपको भीगना ही है, आप पूरी तरह से भीग जाओगे। प्रॉब्लम यही होता है रेनी सीजन में।
कैंडी कम जैक टा उड़ान लगा लो ना कैंडी एरुम कोरे घुरे उड़े चले गए आए हेलो कैंडी ये अभी फ्लाई करने सीख गया है तो चलिए कैंडी के साथ मिलके मैं मूवी कैंडी अच्छा अच्छा तुमको कुछ बोलना है बोल दूं फिर मैं मूवी का रिव्यू दूंगी ओके 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 कैंडी यस कैंडी का डिनर टाइम है अभी 2 दिन हुआ कैंडी फ्लाई करना सीखे है थोड़े थोड़े अभी तो बहुत ऊंची ऊंची फ्लाई वो करते हैं तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा संभाल के मतलब केयरफुली रहना पड़ता है क्योंकि फैन फिर खिड़कियां अगर खुली है फैन ऑन है तो उसको केज से छोड़ने से पहले हम लोग वो थोड़ा सा चेक करके फिर इसको छोड़ते हैं केज में और नॉर्मली यहाँ पे अगर एसी चलेगा तो नॉर्मली कैंडी को हम लोग छोड़ के ही रखते हैं हम लोग बाहर जाते हैं तो वो केज में हम उसको रख के जाते हैं कैंडी को चलिए हम घर आ गए हैं कैंडी को अभी खिलाएंगे हम लोग डिनर करेंगे और उससे पहले ये व्लॉग एंड करने से पहले मेरी बड़ी फैमिली की दूसरी जो मेंबर है वो लोग भी आवाज दे रहे हैं आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा शायद तो हम लोग देखने गए थे कल की तो ये जो मूवी है ये इसका फर्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट जब निकलेगा तभी मतलब ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट इन लोगों ने छोड़ा तो मूवी थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्टोरी लाइन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिखाया गया क्योंकि ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट पार्ट में तो अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा सबका एक्टिंग सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग तो बहुत इंजॉय किए तो और साथ में एड ऑन ये वेदर जो है वो है और उसके बाद हम लोग चाय पिए तो बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड प्लान्स हमेशा एक्साइटिंग होते हैं तो आज वैसा ही हुआ शाम में जो काम था वो अचानक से पोस्टपोन होने के वजह से हम लोग दोनों मिलके ये सडन प्लान किया और बहुत ही एंजॉय किया तो चलिए यहीं पे इसी के साथ साथ यहीं पे वीडियो एंड करते हैं और आप लोग खूब खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक में फॉलो कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड कैंडी से बाय टाटा बाय 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 टाटा बाय बाय कैंडी से बाय